किसने दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी? प्रधानमंत्री मोदी को सिर में गोली मार देंगे तो? INDIA की बैठक में किसने दिया बयान? भारतीय जनता पार्टी नेता ने शेयर कर ECI से की मांग। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए यह दावा किया कि RJD के नेता ने PM मोदी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग और झारखंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से सख्त एक्शन लेने की मांग कर दी है। ये वीडियो बेहद खतरनाक और डरावना नजर आ रहा है। शायद हम आपको ये वीडियो पूरा सुना भी ना पाएं। ये वीडियो देखिए, सुनिए और फिर हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। और हम अगर मोदी के खोपड़ी में गोली मार दें तो इसको गलत कहा जाएगा क्या? 5 सेकंड के इस वीडियो क्लिप में आपने सुना कि कैसे कोई प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने तक की धमकी दे रहा है। दरअसल देश में लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ एक तरफ जहां प्रचार अभियान में तेजी आ चुकी है तो दूसरी तरफ नेताओं की बदजुबानी का मामला भी अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। ये एक दूसरे के खिलाफ बेहद तीखी तरीके से प्रतिक्रियाएं देने में लगे हुए हैं। कई बार तो मर्यादा की हर सीमा लांघ दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबू लाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए यह दावा किया कि राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता ने प्रधानमंत्री मोदी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से और चुनाव आयोग से यह शिकायत करते हुए एक्शन की मांग की है। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने महज 5 सेकंड का एक वीडियो क्लिप जारी किया है। वीडियो में कुछ लोग बैठकर बातचीत करते हुए दिख रहे हैं और पीछे बैनर पर लिखा है INDIA। ये वही INDIA है जो विपक्षी गठबंधन का नाम है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि यह बैठक INDIA गठबंधन की बैठक है। इसमें एक व्यक्ति यह कहते हुए सुनाई देता है कि यदि हम मोदी के खोपड़ी में गोली मार दें तो क्या इसे गलत कहा जाएगा? हालांकि बेहद छोटे वीडियो क्लिप में इससे पहले और आगे की कोई बात नहीं है, लिहाजा वन इंडिया हिंदी इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि आजकल के जमाने में AI टूल्स का भी इस्तेमाल तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई बार डीप फेक तो कई बार लोगों के कथनों को किसी और तरीके से ही दिखा दिया जाता है। फिलहाल हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये वीडियो ही गलत है। ये वीडियो सच है या गलत है इसकी जानकारी केवल झारखंड पुलिस को होगी या फिर BJP नेता बाबूलाल मरांडी को। हालांकि अगर ये सच हुआ तो ये अपने आप में कितना बवाल का मामला बनेगा कि शायद कहने वाले को भी ये ना पता चले कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा बयान देना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। खैर, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस वीडियो को साझा करते हुए झारखंड के DGP तक को टैग किया है। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी इसमें एक्शन लेने की मांग कर दिया है। फिलहाल आपकी राय इस वीडियो क्लिप को लेकर और वायरल हो रहे इस व्यक्ति को लेकर क्या है? आपको बता दें कि फिलहाल सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने PM मोदी को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं इस वीडियो में, उनका नाम अवधेश यादव है, जो RJD के नेता बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस वायरल वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं।